हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाले कि फेसबुक लॉक्ड अकाउंट को विदाउट डीओबी के विदाउट आईडी कार्ड के कैसे अनलॉक कर सकते हैं। आपका अकाउंट के पास आपके पास आईडी पासवर्ड और कुछ भी डिटेल्स नहीं है, ना तो आपको डेट ऑफ बर्थ पता है ना उसके अकॉर्डिंग आईडी कार्ड है, तो आप उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं। आपको यदि डेट ऑफ बर्थ पता है तो आईडी कार्ड नहीं है और डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं है कुछ लोगों को, तो क्या करें? ऑप्शन चेंज हो नहीं रहा है। आपने सब कुछ अप्लाई कर लिया, सब तरीके अप्लाई कर लिए, लेकिन ऑप्शन चेंज होने का नाम नहीं ले रहा है। आपने एक महीने वेट कर लिया, दो महीने वेट कर लिया, 15 दिन वेट कर लिया और सभी ट्रिक से अप्लाई कर ली, फिर भी ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो कैसे अनलॉक कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, वही आपको इस वीडियो में प्रूफ के तौर पर भी बताएंगे और आपको प्रोसेस करके भी बताएंगे। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। वीडियो में दो से तीन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाले हैं। फर्स्ट होता है कि यदि आपको फेसबुक लॉक्ड अकाउंट की डेट ऑफ बर्थ पता है तो कैसे अनलॉक कर सकते हैं। सेकंड है कि यदि आपको फेसबुक लॉक्ड अकाउंट का आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो कैसे अनलॉक कर सकते हैं। थर्ड है कि आपको फेसबुक लॉक्ड अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ पता है लेकिन उस पर गेट कोड बाई जीमेल का ऑप्शन आ रहा है, गेट कोड बाई नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो आपके पास वो नंबर नहीं है, वो जीमेल नहीं है, तो कैसे अनलॉक कर सकते हो। तो आपकी फोर्थ प्रॉब्लम होती है कि आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर ऐप खो गया है या आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर में जो नंबर लगा था वो नंबर खो गया है और अब आप उसको लॉगिन कोड नहीं डाल पा रहे हो, आपके पास लॉगिन कोड नहीं है, उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करें, टू फैक्टर को कैसे ऑफ करें, तो इस चारों सॉल्यूशन का एक ही वीडियो में सॉल्यूशन देने वाले हैं। सो बन रही है वीडियो के एंड तक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम होती है कि आपको फेसबुक लॉक्ड अकाउंट डेट ऑफ बर्थ पता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो कैसे अनलॉक कर सकें, क्योंकि आपके लॉक्ड अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ आपको पता है लेकिन उस पर जो नेम है वो अलग है, डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है और आपके आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, कोई भी नेशनल आईडी कार्ड वो उस पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उस पर नेम वगैरह अलग है, तो आप कैसे अनलॉक कर सकते हो। तो मैंने फेक आईडी कार्ड बनाना आपको सिखाया था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाला है और कमेंट में वो वीडियो का लिंक पिन है, तो आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको उस वीडियो में समझ में नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी ला सकता हूँ, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आपकी सेकंड प्रॉब्लम होती है कि आपको डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं है तो आप कैसे अनलॉक कर सकते हो। तो आपको डेट ऑफ बर्थ यदि आपको पता नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको विदाउट डेट ऑफ बर्थ वाली प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको अकाउंट अनलॉक करके दे दूंगा। और थर्ड आपकी प्रॉब्लम है कि आपके अकाउंट पर जीमेल ऐड है, नंबर ऐड है, वो नंबर आपके पास नहीं है, वो नंबर लॉस्ट हो गया, लेकिन आपको यदि अपने अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ पता है तो उसको कैसे अनलॉक करें। तो इस वीडियो का भी मैंने प्रॉपरली वीडियो बनाया था, लेकिन यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। यदि आप फिर भी अनलॉक नहीं कर सकते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको अकाउंट अनलॉक करके दे दूंगा। बट प्रॉब्लम होती है कि आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप खो गया है, रीसेट हो गया है, मोबाइल रीसेट हो गया है, कोड नहीं है आपके पास, कोड आप फिल नहीं कर पा रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन करें। यदि आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आपका गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे ऑफ कर सकते हैं, उसका वीडियो का मैंने बनाया था, उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी साथ से पिन कर दूंगा, तो जाकर देख लीजिए। यदि फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कीजिए, आपका उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, आपको सॉल्यूशन करके आपको दे दिया जाएगा अकाउंट। क्लियरली बता देता हूँ कि पर्सनली हेल्प या पर्सनली अकाउंट अनलॉक कराने के लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, पेड वर्क फ्री में नहीं होगा। आपको फ्री में कैसे अनलॉक कर सकते हैं, फ्री में कैसे बता सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अकाउंट को कैसे अनलॉक कर सकते हैं तो मैं आपको कुछ अकाउंट्स अनलॉक करके दिखा भी देता हूँ, अभी लाइव अनलॉक करके दिखा देता हूँ। चलिए फ्री में कैसे अनलॉक कर सकते हैं आपको बता देते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि आप ये अकाउंट देख रहे हो, इस पर मैंने गेट स्टार्ट पर क्लिक किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोडिंग हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो गेट कोड बाई जीमेल का ऑप्शन है और इस बंदे के पास जीमेल नहीं है। तो मैंने प्रोसेस करके आईडी कार्ड को सबमिट किया, प्रोसेस करके क्या प्रोसेस है डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक दे रखा है, कैसे यदि आपके अकाउंट पर गेट कोड बाई जीमेल का ऑप्शन आ रहा है तो कैसे अनलॉक कर सकते हैं, कैसे आईडी कार्ड सबमिट कर सकते हैं, तो मैंने वीडियो में लिंक दे रखा है। यदि आप फिर भी नहीं कर पाते हो तो इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपका अकाउंट सक्सेसफुली अनलॉक कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आईडी कार्ड को सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद यहाँ पर आइडेंटिटी कंफर्म हो गई और यहाँ पर पासवर्ड को क्रिएट किए करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने पासवर्ड को कर देते हैं क्रिएट, क्रिएट करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर सेव चेंजेस पे किए क्लिक, कभी कभी सेव चेंजेस पे क्लिक करने पर बहुत लोड होता है, वेटिंग लगती है, तो यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए अकाउंट सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है बैक टू फेसबुक। तो यहाँ से आप देख लीजिए ये गया मैं प्रोफाइल पे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अकाउंट सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है, देख लीजिए आप। तो आप ये नेक्स्ट अकाउंट देख लीजिए, जैसा कि इस पर मैंने गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम वही प्रॉब्लम है जो आप पिछले अकाउंट में थी गेट कोड बाई जीमेल की, इस पर पास भी ये जीमेल नहीं थी, प्रोसेस
करने के बाद आईडी कार्ड को सबमिट किया। सबमिट करने के बाद एक्सेस लिंक आया। एक्सेस लिंक आने के बाद अकाउंट की आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है। जैसे कि मैंने सर्च किया ब्राउज़र में एक्सेस लिंक को, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, सर्च किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिटी कन्फर्म हो गई है। और यहाँ पर जो जी मेल इसके पास नहीं थी, दो जी मेल इसमें ऐड है, तो एक जी मेल को मैंने कर दिया रिमूव। रिमूव करने के बाद कन्फर्म करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर ये मैंने किया पासवर्ड क्रिएट, तो यहाँ से कर देते हैं पासवर्ड को मैं क्रिएट और सेव चेंजेस पे करिए क्लिक, तो सेव चेंजेस पे हो रहा है, सेव हो रहा है पासवर्ड। तो आप यहाँ से कभी कभी लोड लो लेट लेता है पासवर्ड सेव होने पर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड सेव होने में टाइम लग रहा है। तो सेव चेंजेस मैंने क्लिक किया, 10 से 5 बार टैप किया, तो यहाँ पर देख लीजिए सक्सेसफुली अनलॉक हो गया है। तो बैक टू फेसबुक, और बैक टू फेसबुक के जाने के बाद यहाँ पर मैं गया प्रोफाइल पर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अकाउंट सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है, देख लीजिए आप। अभी आप ये नेक्स्ट अकाउंट देख लीजिए, इस बंदे का स्टाइलिश नेम था, लेकिन कैच स्टेप के लिए नेक्स्ट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर कंफर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन था। प्रोसेस करने के बाद एक्सेस लिंक आया, एक्सेस लिंक को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ब्राउज़र में एक्सेस लिंक को सर्च किया, तो यहाँ से आप देख लीजिए सर्च किया तो यहाँ पे लोड हो रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है। तो यहाँ पे ये देख सकिए आपका मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि आपके कोई भी प्रॉब्लम ए टू जेड फेसबुक से रिलेटेड लॉक के वाली, आपका नेम स्टाइलिश हो, आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, आपके में टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर खो गया है, कोई सी प्रॉब्लम हो, आपके अकाउंट को सक्सेसफुली अनलॉक कर दिया जाएगा यदि आप खुद से अनलॉक नहीं कर पा रहे। बट मैंने आपको साफ साफ पहले भी क्लियर बता दिया कि पर्सनली अनलॉक कराने के पर्सनली हेल्प के लिए पेड चार्जेस हैं जो आपको पेड करने पड़ेंगे, ठीक है, वो भी अकाउंट अनलॉक होने के बाद पेड करना है। फर्स्ट में आपको 200 से 300 रुपये ही पेड करना है, फर्स्ट पेमेंट 200-300 रुपये है, अनलॉक होने के बाद आपको पेमेंट करना है। यहाँ से आप नेक्स्ट अकाउंट देख लीजिए, इसका भी सेम वही प्रॉब्लम, स्टाइलिश नेम था और इसको डेट ऑफ बर्थ पता था, लेकिन इस बंदे को पिछले वाले बंदे का स्टाइलिश नेम था और उसको डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं था, लेकिन इस बंदे को स्टाइलिश नेम था, डेट ऑफ बर्थ पता थी, तो इस बंदे का अकाउंट प्रोसेस करने के बाद एक्सेस लिंक आया। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे आईडी कार्ड सबमिट का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो प्रोसेस करने के बाद एक्सेस लिंक आया, एक्सेस लिंक को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने एक्सेस लिंक को ब्राउज़र में सर्च किया, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे सर्च हो रहा है और यहाँ पे इसका भी आइडेंटिटी हो गया लाइव ही कन्फर्म। तो आप मैंने कह दिया कि यदि आप खुद से अनलॉक नहीं करा पा रहे हो, इंस्टाग्राम से मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, डीएम कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, 100% रिप्लाई मिलेगा और आपका अकाउंट को सक्सेसफुली अनलॉक कर दिया जाएगा। और बट मैंने आपको अभी भी बता रहा हूँ कि आप यदि चार्जेस पे नहीं कर सकते हो तो आप कॉन्टैक्ट मत करिएगा, क्योंकि विदाउट पेमेंट के पर्सनली हेल्प नहीं कर होती है। तो यदि आप चार्जेस पे कर सकते हो तो आप इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनली आपके अकाउंट को अनलॉक कर दिया जाएगा। यदि आप खुद से अनलॉक कर सकते हो तो फिर खुद से अनलॉक करने वाली ट्रिक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप समझ लीजिए अनलॉक कर दीजिए। तो आप यहाँ पे ये नेक्स्ट अकाउंट देखिए, मैंने पासवर्ड और नंबर पासवर्ड डाल के लॉग इन किया, तो यहाँ पे टू फैक्टर का प्रॉब्लम है, टू फैक्टर की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो यहाँ पे आई डोंट हैव फोन कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आईडी कार्ड सबमिट मांगता है टू फैक्टर में भी, तो आप यहाँ पे आईडी कार्ड सबमिट कर दीजिए। यदि आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है टू फैक्टर का, फिर भी मैं आपका टू फैक्टर ऑफ कर सकता हूँ, बट मैंने आपको फिर भी बताया कि फ़र्स्ट आपको 200 से 300 रुपये फर्स्ट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, चाहे टू फैक्टर का प्रॉब्लम हो चाहे लॉक को प्रॉब्लम, बाकी का पेमेंट अनलॉक होने के बाद। तो यहाँ पर ये देख लीजिए ब्राउज़र पे आईडी कार्ड को मैंने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, इनको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती है, उनका प्रोसेस विदाउट आईडी कार्ड भी होता है, नेक्स्ट दूसरे प्रोसेस से होता है, तो लेकिन उनका भी अकाउंट है कहाँ रिकवर करिए। इस बंदे को डेट ऑफ बर्थ पता थी, तो इसका आईडी कार्ड के थ्रू ही इसका एक्सेस लिंक आया। तो देख लीजिए मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसका मैंने कॉपी किया, कॉपी जैसे कि किया, कॉपी करने के बाद ब्राउज़र पर सर्च किया, तो यहाँ पर ये देख लीजिए ब्राउज़र पर सर्च हो रहा है, और आप देख सकते हैं सर्च हो रहा है, तो यहाँ पर ये टू फैक्टर ऑफ हो गया है, आप देख ही सकते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आपको टू फैक्टर का डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, फिर भी आपका अकाउंट का टू फैक्टर ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आपको टू फैक्टर का डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं है, लेकिन नेम तो पता होना ही चाहिए। लेकिन क्या होता है कि 90% ज़्यादा लोगों को डेटा पर तो पता होता ही नहीं है, लेकिन नेम भी पता नहीं होता है कि टू फैक्टर पर इस अकाउंट का नेम क्या है, पूरा नेम भी सही से पता नहीं होता है। यदि आपको नेम भी पता नहीं है तो बताइए किस आधार पर अकाउंट आपका अनलॉक होगा, जब आपको नेम भी पता नहीं है, डेटा पर तो पता है ही नहीं, नेम भी पता नहीं है, तो किस प्रकार से आपका अकाउंट
का रिकवर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं और DM कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली।